आज के स्पीकर की बात करें तो हम मनोज सर सर मेरे लिए ये शब्द वो शब्द है सर। जब मैंने ये एटमी ज्वाइन की थी ना सर, उस टाइम सर मैंने स्टार्टिंग में एक आवाज सुनी थी सर, वो मनोज सर की आवाज थी सर। इतना इन शब्दों में जो ताकत थी सर, जिनकी शब्दों में तालमेल जो सब करी वो हम लोगों को समझाते थे मीटिंग में, मोटिवेट किया उन्होंने सर। मैं इनकी फैन हूँ बहुत बड़ी। और सर मैं आज के हमारे जो मनोज सर स्पीकर हैं वो दिल्ली से हैं, एक बिजनेस करते के बाद आज सर वेलकम सर मनोज सर वेलकम सर। जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं वेलकम करना चाहती हूँ मनोज सर को। वेलकम मनोज सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। कुमार मनोज दिल्ली से, बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन। पिछले कुछ टाइम से अपनी वाइफ रंजीता जी के साथ मिलके इस बिजनेस को सीखने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, और इस बिजनेस में मुझे यहां तक लेके आने वाले जो मेरी ग्रेट अपलाइन है, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराया है, वह मिस्टर रजा अंसारी जी। और इस बिजनेस में आने के बाद जो ग्रेट मेंटरशिप मिली है वो मुझे दी विकास गौतम जी की, तो मैं इन दोनों का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर अंसारी जी के थ्रू मैं आया और विकास जी का हाथ पकड़कर यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ। बात करते हैं आज की होस्ट अनिता सैनी जी की। अनिता जी, वाकई में आज आपने मुझे भी नर्वस कर दिया। आज मेरी भी सांस कुछ ज्यादा चढ़ रही है, क्योंकि आप एक ऐसी लेडी डायनेमिक लीडर हैं जिनकी पैरों की थरक तो है ही है। आपने कहा कि आप डांस टीचर हैं, मगर जब आप बोलती हैं तो आपके बोलने में जो कड़कपन है, जो करारापन है, वो भी अपने आप में बहुत लाजवाब है। और सारी लेडीज को ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से अपनी चीज को प्रेजेंट करा जाए। देखिए, हम लोग जिस बिजनेस में है, ये सारा बिजनेस ही प्रेजेंटेशन का है। जितनी प्रेजेंटेशन आपकी जानदार होगी, जितनी आवाज में ताकत होगी। जी जी बोलिए मनोज सर। जी एक बात जी जी सर, 1 साल हो चुका एटवी ज्वाइन करे सर, आज तक मेरी आंखों में आंसू नहीं जलते। और सर आज आवाज तो मैं बहुत नर्वस हो गई कि मैं आई लव यू एटमी, यहाँ से बहुत कुछ मिला है सर, मुझे बहुत कुछ मिला है। तो सर मैं इसकी जितना अनीता सैनी जी करिए, हम आंसू देखना चाहते हैं सर। यही तो प्रॉब्लम है, विकास सर को पता है सर मैं छत पे बैठी हूँ सर, मेरा नेट कोई बात नहीं, आपके आंसू ना हम देखना चाहते हैं आज तो पक्का ही सर। आपका सर मैं करती हूँ, अगर मैं दिख पाऊँ तो बहुत अच्छी बात आप लोगों को। कोई बात नहीं सर, मैं दिख रही हूँ सर, मैं छत पे बैठी हूँ। यस यस यस, अंधेरे में हीरा चमक रहा है सर, चमक रहा है। ग्रेट अनिता, ग्रेट, क्या बात। ये इस बात का सबूत है कि कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, अंधेरा भी क्यों ना हो, हम एक दिया जला सकते हैं। तो अनिता जी, मैं ये कह रहा था कि आपकी आवाज में जो ताकत है ना, वैसी सबके में होनी चाहिए। स्पेशली लेडीज के लिए बात करूंगा, क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग की अगर जो रीड है ना, वो लेडीज ही है। और ये मैं नहीं कहता, ये रिकॉर्ड कहता है कि 70% इस बिजनेस को लेडीज आगे लेके जाती हैं। जेंट्स के तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ मात्र 30% होता है। वो इतना इसलिए होता है ताकि वो लेडीज को इजाजत दे दे बिजनेस करने की, बस। उसके बाद तो वो कहते हैं ना कि आपने एक बार इंजन स्टार्ट कर दिया, फिर भैया वो रुकने वाला नहीं, फिर तो मंजिल तक पहुंच कर ही रुकेगा। तो थैंक यू अनिता जी सो मच, और थैंक यू टू ऑल। आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस मीटिंग में दोबारा बोलने का मौका दिया, और आशा करता हूं कि जो बोलूंगा अच्छा बोलूंगा और आपको समझ आएगा। मगर वही हमेशा की तरह, एक बार कंपनी की प्रोफाइल जरूर पहले मैं 5 मिनट लूंगा बोलने में, क्योंकि मेरा मानना है कि हम जिस कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं उसकी प्रोफाइल हमको मोजवानी याद हो जानी चाहिए कि हमारी कंपनी क्या है, कैसे है और क्यों। बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कोई भी नहीं जानता कि आप क्या हैं,
कोई नहीं जानता कि आपके प्रोडक्ट कैसे हैं बगैर इस्तेमाल करे, मगर जब वो गूगल पे सर्च करेगा और आपकी कंपनी की प्रोफाइल देखेगा तो वो समझ जाएगा कि जो आपने बोला है वो सच है। क्योंकि आज कल के जमाने में दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि आपके मुंह से निकले हुए शब्द बाद में कान में जाते हैं, बंदा गूगल के ऊपर पहले चीजें सर्च कर लेता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हमको हर चीज जो अपने मुंह से निकाली जाए वो इतनी रिलायबल होनी चाहिए कि वो गूगल के ऊपर वही आए जो सच आप बोल रहे हैं। जो शुरुआत करते हैं अपनी कंपनी की प्रोफाइल से, बात करते हैं एटमी बिजनेस की। एटमी बिजनेस ग्लोबली है, ग्लोबल मींस की साउथ कोरिया से कंपनी चालू हुई है और पूरे विश्व में धीरे धीरे फैलती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत सारी कंट्री में प्री लॉन्चिंग के अंदर है, बहुत सी कंट्री में लॉन्च हो चुकी है और हमारा जो बिजनेस प्लान है वो सबसे बेहतरीन जनरेशन इनकम प्लान, बहुत बेहतरीन जनरेशन इनकम प्लान है। कल आप लोगों ने सुना होगा, कल बिजनेस प्लान था, कल मनी प्लान हुआ, आपने वहां बिजनेस प्लान सुना होगा। बस हम सिर्फ कंपनी की प्रोफाइल थोड़ी सी जरूर डिस्कस करेंगे। देखिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एटमी का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। आप जब भी सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा कि एटमी क्या है। हम बात करें 2019 में 1.3 बिलियन यूएस डॉलर यानी 9,750 करोड़ की टर्नओवर हमने करी थी। 2009 में हम टॉप 20 के अंदर थे और 2020 में टॉप 11 के अंदर थे। आप बात समझिए, पूरे विश्व के अंदर हजारों कंपनियां हैं, हजारों कंपनियों के अंदर हम टॉप 20 में थे और टॉप 11 के अंदर फिर आ गए। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि हम किस आला दर्जे के हैं और क्या क्या करते हैं और किस वजह से हम यहाँ पर हैं। थोड़ी सी प्रोफाइल की बात करें, 2009 में साउथ कोरिया से बिजनेस शुरू हुआ था। वर्ल्ड में 100 डायरेक्ट सेलिंग के अंदर टॉप 11 के अंदर आते हैं। वर्तमान में 20 से ज्यादा कंट्री के अंदर हमारा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। कई लाख लोग हम यहाँ पर करोड़पति बना चुके हैं कंपनी के थ्रू, इस बिजनेस प्लान के थ्रू। जीएसजीएस फॉर्मूले के साथ हम काम करते हैं, ग्लोबली सोर्स और ग्लोबली सेल्स। ग्लोबली सोर्स मतलब क्या, पूरे ग्लोबल में अच्छी अच्छी चीजें सोर्स करके इनको ग्लोबली सेल करा जाता है। हम अपने देश की बात करें, हमारे देश में अश्वगंधा बहुत अच्छा होता है। आने वाले टाइम में आपको हमारे देश का अश्वगंधा एटॉमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। हमारे देश के मसाले हैं, हल्दी है, मिर्चे हैं जो पूरे विश्व में मशहूर हैं, आने वाले टाइम में ये आपको एटॉमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। और ये सिर्फ हमको नहीं मिलेंगी, ये उन सारे देशों को मिलेगी जहां पर एटॉमी ग्लोबली काम कर रहा है। इट मीन्स कि हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में एटॉमी बहुत बड़ा योगदान करने वाली है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। आप जब भी किसी से बिजनेस प्लान की बात करें, कोई आपसे अगर बोले कि मेड इन इंडिया वाली बात बोले, तो बोलो जी मेड इन इंडिया से जरूरी है मेक इन इंडिया। अगर चीजें भारत में बन रही हैं और भारत में बनने के बाद जब उनको प्लेटफॉर्म ग्लोबली जाने का मिलेगा तो डेफिनेटली हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको हमेशा याद रखिए, हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर बताएं। बिजनेस का हमारा मूल मंत्र है एब्सोल्यूट क्वालिटी विद एब्सोल्यूट प्राइस, मतलब बेहतरीन क्वालिटी बहुत ही कम दाम में जितने बेस्ट से बेस्ट प्राइस में हम दे सकते हैं और जितनी बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दे सकते हैं वो हम देते हैं। इसका उदाहरण है हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, जो हम मात्र मटर के दाने से भी तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा हम लगाते हैं और वो देखिए हमारे स्किन के ऊपर कितना ग्लो करता है। और सबसे बड़ी चीज है वो इतना ज्यादा ग्लो करने के बावजूद इतनी आसानी से स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उनके जो कण हैं वो इतने छोटे हैं, हमारे स्किन के जो पोर्स हैं उससे भी कई गुना छोटे हैं, जिसकी वजह से वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। होता सही यही चीज है कि स्किन के बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं मगर हमारे स्किन के पोर्स से उसके जो साइज है वो बड़े होते हैं और वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाते, जिससे हमको उसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिल पाता। एकदम को तो लगता है हमें ग्लो आ गया, सब कुछ हो गया, मगर एक बार अगर हमने चेहरा साफ कर लिया तो उसके बाद वो ग्लोनेस चली जाती है। आप इसको लगाएं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बाद भी अगर आप टिश्यू पेपर से चेहरा साफ करेंगे तो आपके चेहरे पर वही ग्लो आपको नजर आने वाला है। ये खासियत है हमारे प्रोडक्ट्स की, इसीलिए हम लोग एब्सोल्यूट क्वालिटी विद एब्सोल्यूट प्राइस का मूल मंत्र लेके चलते हैं। एटमी प्रोडक्ट्स कैरी और कॉलमार्क के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करें। देखिए कैरी में जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर इनकी रिसर्च होती है, इनका फार्मूला तैयार होता है और कॉलमार्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है। कैरी क्या है, कॉलमार्क क्या है, गूगल पे सर्च करेंगे सब कुछ आ जाएगा। मैं थोड़ा सा फिर भी कैरी के बारे में बता दिया। कैरी जो है ये कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है आफ्टर द नासा। नासा
जो है वो यूएस का अमेरिका का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर आफ्टर द नासा कैरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी हम दूसरे नंबर पे आते हैं रिसर्च के अंदर, और उस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे प्रोडक्ट की रिसर्च होती है, फार्मूले तैयार होते हैं, तब कहीं जाके वो आगे उनका प्रोडक्ट बनता है। 1959 में कैरी की शुरुआत हुई थी, ये गवर्नमेंट बॉडी है कैरी, और साउथ कोरिया गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है ये, और हमारे पास 11 से ज्यादा लेबोरेटरी है, कई हजार साइंटिस्ट हैं, कई हजार पीएचडी होल्डर्स हैं जो इस कंपनी के अंदर काम करते हैं, और कई हजार फार्मूले कंपनी ने आविष्कार करे हैं जिसके अंदर बहुत सारे फार्मूले पेटेंट हैं। एक फार्मूले को पेटेंट कराने में कई साल और बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा एक प्रोडक्ट को पेटेंट कराने में, एक फार्मूले को पेटेंट कराने में। हमारे पास सैकड़ों पेटेंट है, सैकड़ों पेटेंट, और सैकड़ों पेटेंट लाइन में है। आप सोच लीजिए कि आने वाले 2, 4, 6, 8, 10 साल के अंदर इतने पेटेंट प्रोडक्ट आ जाएंगे कि वर्ल्ड में उनको कोई और बनाने वाला नहीं होगा वैसे फार्मूले और वैसे प्रोडक्ट। ये बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ी हमारी खासियत है कि हम अमेरिका और रूस के लिए स्पेस फूड बनाते हैं। आपको सबको पता होगा जो लोग स्पेस में जाते हैं, स्पेस में रिसर्च करते हैं, महीनों वहां पर रहते हैं, उनको खाने पीने के लिए वहां खाना नहीं ले जा सकते, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से जो स्पेस फूड जो एटमी बना के देती है उसको लेके जाते हैं, और वो महीनों वहां पर चलते हैं, टैबलेट के कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं, और आप समझो कि जो स्पेस फूड बनाता है उसकी क्या क्वालिटी होने वाली है, ये अपने आप में ये कैरी की खासियत है। तो कैरी हो गया हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं कॉलमार्क की। कॉलमार्क बीएनएच क्या है? कॉलमार्क बीएनएच आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वहां पर सारा कुछ लिखकर आएगा, समझ आएगा क्या है, फिर भी थोड़ा बताते हैं। कॉलमार्क वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हब है ये। इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है कि अभी आपको आगे बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई में मनोज जी क्या इतना बड़ा है, मगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा। 100 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, आप सोच लीजिए हम 2022 में हैं और 100 साल से ऊपर हो गए हैं कॉलमार्क को। कॉलमार्क पहले क्या करता था, खुद फार्मूले बनाता था और खुद प्रोडक्ट बनाता था, मगर जब से 60 साल से ऊपर हो गए, जब से कैरी अस्तित्व में आया है, कॉलमार्क ने रिसर्च बंद कर दी है, सारी रिसर्च कैरी करता है और कॉलमार्क सिर्फ उसके ऊपर प्रोडक्ट डिजाइन करता है और कुछ नहीं करता। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये देखने वाली बात है। ODM और OEM टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, हमारे इक्विपमेंट और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में यूनिक है, नई है, हम किसी को कॉपी नहीं करते, हमारे अपने पेटेंट होते हैं हर चीज के। हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, कॉस्मेटिक आइटम्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सब कुछ यहाँ बनती हैं, सब कुछ यहाँ बनती है। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट कॉलमार्क मैन्युफैक्चरिंग करता है, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट कॉलमार्क मैन्युफैक्चरिंग करता है। उस कॉलमार्क के इतने बड़े बड़े क्लाइंट हैं, मैं आपको कुछ अगर नाम गिनाऊं तो आप हैरान हो जाओगे, क्या वाकई में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कॉलमार्क से प्रोडक्ट लेती हैं? बिल्कुल, कॉलमार्क से प्रोडक्ट लेती हैं, उसके ऊपर अपने नाम का ठप्पा लगाती हैं और उसको मार्केट के अंदर उतारती हैं। कुछ कंपनियों के नाम मैं बताऊं, एवोन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एमवे का नाम आपने सुना होगा, नेचुरा का नाम सुना होगा, ओरिफ्लेम, यंग लिविंग, फॉर एवर, लैंकॉम, फोर लाइफ, हर्बल लाइफ, डीएक्सएन, पॉन्ड्स, जॉनसन एंड जॉनसन, पॉन्ड्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ऐसे जाने कितनी कंपनियां हैं जो हमारी कॉलमार्क से प्रोडक्ट लेती हैं और अपना लोगो लगा के उसको सेल करती हैं। कैरी द्वारा जितनी भी रिसर्च होती है कॉलमार्क द्वारा उनको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, प्रोडक्ट एटमी के प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आते हैं, हमारे और आपके थ्रू वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी हमारे और कंपनी के बीच में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो बीच में कमीशन खा रहा हो, समझ। हमें डायरेक्ट वो प्रोडक्ट मिलते हैं और उन प्रोडक्ट को हम अपने नियर एंड डियर्स को उसके बारे में बताते हैं, उनको देते हैं, और जो बिजनेस में आते हैं वो भी उस प्रोडक्ट को लेते हैं, प्लस वो अपने नियर एंड डियर को बताते हैं। इस तरीके से बिजनेस भी चलता है और उससे उन अच्छे प्रोडक्ट को यूज करने का हमको मौका भी मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं ये सारा कारनामा करा किसने है, ऐसा कौन सा शख्स है जिसने कैरी और कॉलमार्क के रिसर्च करे और मैन्युफैक्चरिंग करे प्रोडक्ट को एटमी के प्लेटफॉर्म पे लाया, यानी एटमी के फाउंडर कौन है? एटमी के फाउंडर है मिस्टर हैंगल पार्क सर। हैंगल पार्क का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप गूगल पे सर्च करें, फोर्ब्स जैसी मैगजीन में उनका नाम आता है। साउथ कोरिया के फोर्थ रिचेस्ट पर्सन है, साउथ कोरिया की इकोनॉमी के अंदर फोर्ब्स
हमारे हैंगल पार्क का बहुत बड़ा योगदान है। आप देखें एलजी कंपनी, सैमसंग कंपनी जो है ये साउथ कोरिया की कंपनी है और देखिए कितने अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं, और हमारी जो एटमी कंपनी है वो भी साउथ कोरिया की है, और ब्यूटी के अंदर हमारा बहुत बड़ा रोल है पूरे वर्ल्ड के अंदर। फॉर्च्यून जैसी मैगजीन में हमारा नाम आता है, फोर्ब्स जैसी मैगजीन में डॉक्टर हैंगल पार्क का नाम आता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे हैंगल पार्क है उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पीएचडी कर रखी है, मास्टरी है उनकी, पीएचडी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सी बारीकियां जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कई साल नेटवर्क मार्केटिंग खुद करी है, वो उस हर प्रॉब्लम्स को जानते हैं जो एक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने वाले नेटवर्कर के जीवन में आती है। उन सब प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हटाते हुए उन्होंने इस बिजनेस प्लान को बनाया और इसको पेटेंट भी करा लिया। ये बहुत बड़ी बात है पेटेंट कराना, क्योंकि ऐसा बिजनेस प्लान और किसी के पास नहीं है, और इसी की वजह से एटमी कुछ ही सालों में वर्ल्ड में टॉप 11 के अंदर आ चुकी है और बहुत जबरदस्त बिजनेस कर रही है। ठीक है, हम अगर बात करें हैंगल पार्क सर की, तो सीईओ काउंसिल है ये वर्ल्ड फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के, प्रेसिडेंट है कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के, विजेता है कोरियन नेटवर्क मार्केटिंग के, फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये। मैंने आपको बताया बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कई पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं, कुछ खास प्रोडक्ट हैं जो हमारे बहुत अच्छे हैं, जैसे हिमोहिम है हमारा जो कैंसर तक को क्योर कर देता है, पेस्ट है हमारा परपलिस वाला, और इस पेस्ट की खासियत है ये आपके इंटरनल भी काम करता है, आपके दांतों में भी काम करता है, आपके चोट घाव पे भी काम करता है, आपके सर्दी जुकाम पे, आपके सरदर्द पे भी काम करता है, मतलब ये मल्टीपल यूज वाला पेस्ट है हमारा ऐसा कि जो आज तक कहीं और नहीं बना। हमारे स्किन केयर के जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड फेमस है, साउथ कोरिया स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के अंदर वर्ल्ड फेमस है, तो ये बहुत बड़ी बात है। 20 से ज्यादा देशों में काम कर रहे हैं, बहुत सारे देशों में हम लॉन्चिंग में है, बहुत कुछ ऐसा है। और कमीशन की अगर बात करें तो डेली मैचिंग यहाँ पर एक सिस्टम है, उसके अंदर डेली मैचिंग आती है, यहाँ पे हमको 44% कमीशन मिलता है। मास्टरशिप बोनस होता है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं मास्टरशिप की तरफ जाते हैं, वहाँ 20% बोनस मिलता है। एजुकेशन सेंटर का एक ऑप्शन होता है, लोग एजुकेशन सेंटर खोल सकते हैं, वहाँ पे आपको 6% कमीशन मिलता है। ग्लोबली कंपनी जितना भी बिजनेस करती है उसमें जो प्रॉफिट होता है उसका 70% प्रॉफिट वो इस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और 30% जो प्रॉफिट है वो अपने लिए और अपने कंपनी के वर्कर्स के लिए रखती है। यानी 100 रुपए की अगर आमदनी करी है तो उसमें से 30 रुपए कंपनी के हैं और 70 रुपए हमारे और आपके हैं। आप किसी और कंपनी का बिजनेस प्लान उठा के देख लीजिए, वो 60-70-80% बोलेंगे, जब आप कैलकुलेशन करोगे वो 30-40 या बहुत हद से 45% तक ही पे आउट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये चीज आप चेक कीजिएगा, आपको समझ आएंगी कि हाँ मनोज जी आप सही कह रहे थे या गलत करें। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसा कि मैंने आज टॉपिक रखा था कि हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की पावर की, ऐसी क्या पावर्स हैं जो हमको यहाँ पर मिलती हैं, गॉड गिफ्टेड होती हैं। बात करेंगे, शुरुआत करते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग से। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली है क्या? देखिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमको लीडर क्रिएट करने होते हैं। अब लीडर क्या होता है? लीडर वो होता है जिसकी बात सुनके, जिसको सुनके लोग खुशी महसूस करें, जिसको सुनके लोगों को लगे नहीं ये शख्स जो बोल रहा है, जो कर रहा है उसके अंदर कुछ गलत नहीं है, वो सही प्रूव है, प्रूवन फॉर्मूला है, और उसको लोग फॉलो करते हैं, वो एक लीडर होता है। अब देखिए जो भी नया शख्स इस बिजनेस में आया है, वो जेंट्स है या लेडीज है, नेवर माइंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ पड़ता है कि जो नया शख्स आता है उसके अंदर एक हेजिटेशन होती है, उसके अंदर एक झिझक होती है, उसके अंदर या यूं समझिए कुछ ऐसे शर्मिले कीटाणु होते हैं जो उसको किसी के सामने मुंह खोलने से और आंख मिलाने से रोक देते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत है कि जब आप इसको ज्वाइन करते हैं ये सबसे पहले उन कीटाणुओं को निकाल के बाहर कर देता है। ये बिजनेस ही है लीडर क्रिएट लीडर्स, यानी लीडर्स को लीडर्स बनाने का मौका देता है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, विकास जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, गफूर जी हैं, डॉक्टर एस कुमार हैं, अनीता जी हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स और हैं जिनके मैं नहीं भी नाम ले पा रहा हूँ, तो बुरा ना मेरे बात को। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो इससे पहले
आपकी तरह ही थे, बिल्कुल नए थे, नए शिक्षा थे, और इनको और हमको भी बोलने में और देखने में झिझक होती थी, कैसे अपना नाम बोलें, कैसे अपने बारे में बताएं, लोग क्या कहेंगे, मतलब हमारा चेहरा कैसा दिख रहा है, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे शब्द सही है कि नहीं है। मगर क्या होता है, जब हम लगातार चीजें सीखते हैं तो वो चीजें प्रैक्टिस में आ जाती है, और कहते हैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मगर मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि ओनली प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट नहीं बनाती है, राइट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। समझिए आप बात को, राइट प्रैक्टिस का मतलब है जब आप सही काम की सही प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आप सही परफेक्शन के साथ काम कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, राइट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अब हम बात करते हैं लीडर क्रिएट लीडर्स, किसके लिए, अपने लिए या अपनों के लिए? अपने लिए, हम अपने लिए लीडर्स क्रिएट करेंगे ताकि वो लीडर्स वो काम करें जो हम आज काम कर रहे हैं। ओपन योर माउथ, नेक्स्ट क्या है, ओपन योर माउथ। अगर हम इस मुंह को नहीं खोलेंगे, देखिए कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दिखाने के लिए बोलना भी पड़ता है। आप देखिए टीवी के अंदर कोई एड आती है तो सिर्फ एड दिखाई नहीं जाती है, उस एड को जो प्रेजेंट कर रहा होता है वो उसके बारे में कुछ बोलता भी है। तो आपको बोलना आना चाहिए, ओपन योर माउथ, आपको बोलना पड़ेगा। आप एक पेस्ट ले लीजिए, पेस्ट लेके इस्तेमाल करिए, आपको अच्छा लगे अपने नियर एंड डियर्स के साथ उनको डिस्कस कीजिए, उनको बताइए, सुबह पार्क में निकल जाइए, सुबह सुबह वहां बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनसे बात कीजिए, आपको लगेगा कि आप दो चार लोगों से बात करोगे ना तो आपको समझ आएगा, हाँ यार कुछ तो कमियां है जो मैं बोल रहा था, और वो धीरे धीरे सही हो जाए। मगर बोलना तो पड़ेगा, ओपन योर माउथ, किसके लिए, अपने लिए नहीं अपनों के लिए। बात को नोटिस करते जाइएगा, लीडर्स क्रिएट करने हैं अपने लिए, मुंह खोलना है अपनों के लिए, क्योंकि आप जो काम करेंगे उसका रिजल्ट आपके बाद इस बिजनेस की खासियत है ये लेगेसी में जाता है, तो वो जो फायदा आपको आज हो रहा है उससे बड़ा फायदा आपके अपनों को कल होने वाला है। तो मुंह खोलिए लोगों से बात करने के लिए। 3 months या 90 days, 3 months या 90 days फॉर योर बिजनेस। आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो कम से कम 3 months या 90 days आपको इस बिजनेस के अंदर लगातार मीटिंग्स में आइए, लगातार प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, लगातार लोगों से बात कीजिए, चाहे ना मिले चाहे हाँ मिले, चाहे कुछ उल्टा बोल दे चाहे कोई सीधा बोल दे, किसी को गलत जवाब ना दें, किसी से कुछ बैर ना रखें, अपनी चीजों को प्रेजेंट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। कहते हैं ना कि आ गया तो वेलकम और नहीं तो भीड़ कम। हमारा काम तो बताने का है ना, आ गया तो गुड है ना, अच्छा है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, भीड़ कम होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमको बताना पड़ेगा। कम से कम 90 दिन का आप एक टारगेट लीजिए, कसम खा लीजिए कि 90 दिन तो मैं इस बिजनेस में आया हूँ, मैं हर हालत हर सूरत में यहाँ मीटिंग्स अटेंड करूंगा, यहाँ प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लूंगा, अपने अपलाइन से बात करूंगा, अपने डाउनलाइन से बात करूंगा। किसके लिए बात करूंगा? ना अपने लिए ना अपनों के लिए, सपनों के लिए। इसके लिए बात करूंगा सपनों के लिए, क्योंकि इस बिजनेस से यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से हमारे सपने पूरे होंगे। स्पेशली बात करूं लेडीज की, सबसे ज्यादा सपने लेडीज देखती हैं, सबसे अच्छे सबसे बड़े सपने लेडीज के होते हैं। मगर होता क्या है, बेसिकली बहुत सारी लेडीज शादी करने के बाद घर गृहस्थी में इस तरीके से फंस जाती हैं कि कहीं ना कहीं उनके सपने दब जाते हैं, उनके ऊपर इतनी मोटी धूल की परत चढ़ जाती है कि वो लोग कुछ कर नहीं पाते। मगर ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप अपने घर से बैठ के अपने नियर एंड डियर्स के साथ शेयर करके इस बिजनेस में आगे धीरे 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 बढ़ सकते हैं और एक अच्छी स्ट्रेंथ हासिल कर सकते हैं, एक मजबूत स्ट्रेंथ हासिल कर सकते हैं। तो किसके लिए 3 months 90 days किसके लिए लगाने हैं? सपनों के लिए। मुंह किसके लिए खोलना है? अपनों के लिए। लीडर्स किसके लिए बनाने मुंह किसके लिए खोलना है? अपनों के लिए। लीडर्स किसके लिए बनाने हैं? अपनों के लिए। लीडर्स अपने लिए बनेंगे, मुंह अपनों के लिए खुलेगा, और 90 दिन की जो ट्रेनिंग है वो अपने सपनों के लिए करेंगे। ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। विलिंग टू चेंज, यहां पर चेंज होने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप जैसे थे और जैसे हैं उससे जितना आपको मिल सकता था उतना मिल चुका, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर इससे ज्यादा चाहिए तो आपको चेंज होना पड़ेगा। विलिंग टू चेंज, ना करने वालों पे बहुत बहाने हैं, करने वालों पर सिर्फ एक बहाना है कि मुझे करना है। और करने के लिए आपको क्या चाहिए,
सिर्फ आपका सपना चाहिए, और सपना आपका जब जागृत होगा, जब आप 3 महीने या 90 दिन लगातार मीटिंग्स में आएंगे, अपलाइन डाउनलाइन से बात करेंगे और यहाँ पर अपने सवालों को रख के उनके बारे में पूछना चालू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क विद द राइट सिस्टम। अब यहां पर क्या है, वर्क यानी काम करना है राइट सिस्टम के साथ। राइट सिस्टम क्या है? राइट सिस्टम जो है वो आप अपनी अपलाइन से बात करें, अपनी डाउनलाइन से बात करें, एक और उसके अंदर कुछ मर्यादाएं हैं, कंपनी के कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं, यानी झूठ नहीं बोलना, लोगों से अनकंडीशनल प्यार करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना, उतना ही बोलना जितना आपको फायदा हुआ। आपको फिर बता रहा हूं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ऐसे ही किसी से बात नहीं करनी जब तक आपने प्रोडक्ट यूज नहीं करा। आप प्रोडक्ट यूज करें, उसकी टेस्टिमोनियल आपके पास होनी चाहिए, तब आप उसके बात करेंगे, तब आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। मैं बोलूं जी दुबई बहुत अच्छा है, मैं दुबई कभी गया ही नहीं, वहां पे गोल्ड शोक है, वहां सोना बहुत सस्ता मिलता है, मैं गया ही नहीं, मुझे क्या पता सस्ता मिलता कि नहीं मिलता। किसी ने यही पूछ लिया जी दुबई की टिकट कितने की, वहां पे ट्रेन से जाते हैं कि प्लेन से जाते हैं, कितने घंटे का सफर है, वहां पे किस होटल में आप रुके थे, वहां का क्या किराया, वहां की करेंसी क्या है, मुझे पता ही नहीं है। आपने किसी ऐसे शख्स के सामने बोल दिया तो वहां पर आपकी बातें झूठी हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या करना है, वर्क विथ राइट सिस्टम और वर्क विथ स्पीड। एक स्पीड बांध लीजिए, रोज एक से बात करिए, रोज दो से कर सकते हैं दो से करिए, दस से कर सकते हैं दस से करिए, मगर एक फार्मूला अपना लीजिए कि मैं रोज एक जने से बात करूंगा, तो आपको रोज एक जने से बात करनी ही करनी है। एक नए शख्स से, अपलाइन डाउनलाइन से तो आप बात करेंगे करेंगे, एक नए शख्स से एटलीस्ट आप रोज बात कीजिए। आप एक शख्स नए शख्स से अगर रोज बात करते हैं तो महीने में 30 दिन होते हैं, आप 30 नए शख्स से बात करते हैं, और 80-20 का फार्मूला यहाँ पे हर फील्ड के अंदर 80-20 का फार्मूला काम करता है। 80-20 का फार्मूला क्या है, जब आप 10 लोगों से बात करेंगे तो 8 लोग आपको मने कर देंगे और 2 लोग आ जाएंगे। इसी जब पूरे महीने में आप 30 लोगों से बात करेंगे 6 लोग आ जाएंगे, और आपको ये गारंटी देता हूं जब वो 6 लोग आ जाएंगे, उन 6 में से 2 लोग आपके मीटिंग में आएंगे और उन 2 में से 1 आपका लीडर मिल जाएगा। मगर शर्त ये है कि आप एक स्पीड डिसाइड कीजिए, मुझे किस स्पीड से चलना है, और उस स्पीड से चलें और अपनी अपलाइन को बता दें कि मैं इस स्पीड से चलूंगा, और उसकी पूरी रिपोर्ट अपलाइन को देते रहें। और मैं आपको गारंटी देता हूं, हर रोज हर महीने अगर आपको एक भी लीडर बना, तो आज अगर इस महीने एक बना है तो अगले महीने 2 लोग हो जाओगे, आप और आपकी एक डाउनलाइन, तो अगले महीने आपको 2 लीडर मिलेंगे, अगली बार वो 4 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे। तो ये ऐसी ग्रोथ है जो लगातार आपकी बढ़ेगी, डबल होती जाएगी। तो इसका आप ध्यान रखें कि आपको लगातार एक कंस्टेंट स्पीड से चलना है, लोगों से लगातार बात करनी है, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर हम इसको नहीं करते हैं तो हमें यहाँ पर काफी नुकसान हो सकते हैं। नुकसान इसीलिए होंगे क्योंकि हम लगातार बात नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, बात करें। चलिए बहुत बात कर ली, एक छोटी कहानी से और मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाऊंगा। मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं छोटी सी कोई कहानी सुनाता हूँ और आप लोग को भी वो पसंद आती है। और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कहानी सुनाने का या छोटी सी कोई जोक सुनाने का, हम बोर नहीं होते, या हमारा कई बार क्या होता है, हम लोग जो मीटिंग्स में आते हैं कई बार हम अपने काम भी साथ में कर रहे होते हैं, कोई खाना बना रहा होता है, कोई खाना खा रहा होता है, कोई किसी से बात कर रहा होता है, कोई टीवी देख रहा होता है ना, कोई सिर्फ इसीलिए मीटिंग ज्वाइन कर लेता है कि कहीं अपलाइन ये ना पूछ ले जी आप मीटिंग में थे या नहीं थे। मगर जब यहाँ पर हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, कुछ कहानी सुनाते हैं, कुछ करते हैं, तो माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाता है और दोबारा से हमारी कॉन्सेंट्रेशन वहां पर आ जाती है। तो ये कहा गया है कि 5 से 10 मिनट की स्पीच के अंदर कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा सा भटकाव होना चाहिए ताकि चीजें सही जगह पर आ जाए। चलिए छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, उसका रोज दरबार लगता था, और जो लोग भी वहां दरबार में उसके मेहमान आते थे वो उन मेहमानों को गिफ्ट देके भेजा करता था। राजा की बड़ी खासियत थी, अपने दरबार में आए हुए मेहमान को खाली हाथ कभी नहीं जाने देता था, गिफ्ट देके जरूर भेजता था। एक बार उसके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और वो राजा की मेहमान नवाजी से इतना खुश हुआ कि वो राजा को एक बहुत ही बेशकीमती और सुंदर पत्थर देकर गया। राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि पहली बार राजा को किसी ने कोई गिफ्ट दिया था। राजा बहुत दयालु था, बहुत भक्तिवान था। तो राजा ने जब वो पत्थर देखा तो बहुत खूबसूरत, एक बड़ा सा पत्थर था, बहुत खूबसूरत पत्थर था। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी ये बहुत खूबसूरत पत्थर है, मैं इस पत्थर की जो है एक मूर्ति बनवाना चाहता हूँ।
और मैं चाहता हूं कि 10 दिन के अंदर मुझे मूर्ति बन के मिल जाए और ताकि मैं इस मंदिर मूर्ति को अपने राज दरबार के मंदिर में सजा सकूं। मंत्रिता राजा की बात माननी ही थी। वो मंत्री जो है उस पत्थर को लेके मूर्तिकार के पास जाता है और मूर्तिकार से कहता है कि शिल्पकार भाई, आप इस पत्थर से एक बेहतरीन भगवान जी की मूर्ति बना दे, इसके एवेज में आपको 100 सोने की मोहरे मिलेंगी और मगर ये काम आपको 10 दिन में खत्म करना होता है। मूर्तिकार बहुत खुश होता है क्योंकि वो राजा के लिए मूर्ति बनानी उसको थी और उसके लिए उसको 100 सोने की मोहरे मिल रही थी और 10 दिन का पर्याप्त टाइम मिल रहा था। उसने कहा जी बिल्कुल मंत्री जी, ये मूर्ति 10 दिन के अंदर मैं आपको बना के आपके राज दरबार में पहुंचा दूंगा। और वो उस मूर्ति पर काम चालू कर देता है। उसी दिन से वो अपने छेनी हथौड़े लेके बैठता है, उस मूर्ति को बराबर ठोकता रहता है, ठोकता रहता है, एक चोट, दो चोट, 10 चोट, 20 चोट, 50 चोटें मारता है, मगर वो पत्थर कहीं से भी टस से मस नहीं होता। जब वो पत्थर टस से मस नहीं होता है तो वो हार जाता है और वो क्या करता है, उस पत्थर को लेके राज दरबार में जाता है और मंत्री जी से कहता, मंत्री जी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इस पत्थर में से मूर्ति नहीं बना पाऊंगा और आप ये पत्थर मेरे से वापस ले लीजिए। मंत्री को बड़ी निराशा होती है, वो राजा को नहीं बताता है। वो उस पत्थर को लेके किसी दूसरे मूर्तिकार के पास जाता है और उस मूर्तिकार से भी वही कहता है जो उसने पहले मूर्तिकार से कहा था कि 10 दिन में मूर्ति बनानी है, 100 मोहरे मिलेंगी, राजा के लिए मूर्ति बनानी है, बहुत खूबसूरत बननी चाहिए। मूर्तिकार कहता आप फिक्र ना करें, मैं आपको 10 दिन में ये मूर्ति बना के दे दूंगा। वो मूर्तिकार भी उस मूर्ति को बनाने के लिए अपनी छेनी हथौड़ा उठाता है और एक दो चोट ही मारता है और वो पत्थर टूटने लगता है। यानी उस पत्थर को जो उसने शेप देनी होती है वो शेप वो देने में कामयाब हो जाता है और 10 दिन के अंदर उसकी बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाता है। खूबसूरत मूर्ति बना के वो राज दरबार में लेके जाता है और राज दरबार में राजा का दरबार लगा होता है, वहां पर वो मूर्ति राजा को दिखाई जाती है, उसका अनावरण होता है। मूर्ति बहुत सुंदर होती है, बहुत खूबसूरत होती है। वो 100 मोहरे तो उसको मंत्री जी की तरफ से मिली ही थी, 100 मोहरे उसको राजा की तरफ से भी मिलती है और बहुत वाहवाही होती है। अब देखिए यहाँ पर इस कहानी का सार क्या है, ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, इस कहानी की यहाँ पर ऐसी क्या जरूरत थी जो मैंने आपको सुनाई। मैंने इसलिए आपको ये कहानी सुनाई, मैंने आपको कहा था कि 90 दिन आपको लगातार इस मीटिंग में आना है और 90 दिन आप जब इस मीटिंग में आएंगे तो आपके यहाँ पर अच्छाइयां और बुराइयां सब सीख जाएंगे। यानी कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोग नेगेटिव रेस्पॉन्स करते हैं तो हमको वहां पर कैसे पॉजिटिव होना है, क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आए हैं आप लोगों से बात करेंगे, आपको लोगों की ना तो मिलेगी ही मिलेगी, वो मिलनी ही मिलनी है। उस ना मिलने के बाद जब आप नेगेटिव होते हैं उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको इस मीटिंग में आना होगा। अब देखिए पहले शिपकार ने क्या गलती करी, 50 चोट मारने के बाद उसने हाथ खड़े कर दिए, अगले शिल्पकार ने 2-4 चोटें मारी और वो मूर्ति बन गई। अब देखिए उस मूर्तिकार की 2-4 चोटों से वो मूर्ति नहीं बनी थी, मूर्ति तो उसकी 50 चोटों से ही वो पत्थर तैयार हो गया था टूटने के लिए, मगर उसने हिम्मत हार दी थी। आप किसी शख्स को एक बार, दो बार, चार बार बोल रहे हैं, आपके कहने से बिजनेस में नहीं आया, आपने उससे कहना बोलना छोड़ दिया, किसी और शख्स ने उससे बात कर ली और उसको लगने लगा यार मनोज जी ने तो बताया था मैंने ज्वाइन नहीं करी, यार ये शख्स भी बता रहा है, इसका मतलब कि बिजनेस में कुछ ना कुछ ताकत तो है, कुछ ना कुछ दम तो है जो ये भी कर रहा है और वो उसके साथ ज्वाइन कर लेगा। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, रेगुलर छोटे तौर पे, हल्के तौर पे चोटे मारते रहिए जब तक कि वो आपको स्वयं मने ना कर दे कि अब आप मेरे से इस बारे में बात ना करें। आप तब तक उनको चीजें भेजते रहें, बताते रहें, बात करते रहें और आपको इसके बहुत बड़े फल मिलने चालू होंगे। और बात करी थी पावर की, इस बिजनेस में आने के बाद 3 पावर यहाँ पर आपको मिलती है। पहली पावर होती है पावर ऑफ यूनिटी की। अब पावर ऑफ यूनिटी क्या होती है, बी इन पॉजिटिव एसोसिएशन, यूनाइटेड वी सक्सीड। देखिये जब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने से पहले हम जिस भी काम को कर रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं, जिन भी रिश्तेदारों से, दोस्तों के पास या अपने कुलीग्स के साथ, सॉरी हम लोग हैं, वहां पर हमको बेसिकली नेगेटिव चीजें ज्यादा मिलती है। नेगेटिव चीजें मानती, आपने कुछ करा, तेरे बस की है करनी, तू कर लेगा, है बॉस ने बुलाया, तू तेरी हिम्मत है बॉस के पास खड़े होने की, तेरी हिम्मत, जाके एप्लीकेशन दे करा, 2 दिन की छुट्टी लेकर तो दिखा तू। वहां पर क्या आपकी टांग खींचने वाले लेग पुलर लोग बहुत हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे, यहाँ पर आपको एक सिंगल शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो आपकी लेग पुलिंग करेगा। जब आपकी लेग पुलिंग नहीं करेगा तो आपकी एसोसिएशन यहाँ पर अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे सारे ही की सारे एक सिंगल माइंडेड लोग होते हैं, सब एक मत के लोग होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको पॉजिटिव एसोसिएशन मिलती है। और एक साथ जब सब होते हैं तो हमारी सक्सेस की गारंटी भी
बढ़ जाती है। तो पहली पावर है पावर यूनिटी का, इसको आप ध्यान रखें। इस बिजनेस में आने के बाद, नेटवर्किंग में आने के बाद, आपको ये पहला गॉड गिफ्टेड यहाँ मिलेगा, पावर ऑफ यूनिटी। दूसरी पावर है पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन होता है आत्मसमर्पण करना। पावर ऑफ सबमिशन क्या होता है इस बिजनेस में, ये भी आपको गॉड गिफ्टेड मिलेगा। आपने सुना होगा कि जब मैं आता हूं या कोई और बड़ा लीडर आता है यहाँ पर, आने के बाद पहले वो अपना नाम बोलता है, वो क्या करता है और कहाँ रहता है, तीन चीजें। उसके बाद वो बताता है उसको इस बिजनेस में किसने ज्वाइन कराया था, आपको जिसने ज्वाइन कराया था वो बिजनेस में है या नहीं है, आपको उसका नाम ले लेना है, आपको नहीं भूलना है कि किसने बिजनेस ज्वाइन करा। उसके बाद उस शख्स का नाम लेना है जो लीडर है, जिसको देख देख के आप बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो क्या है, पावर ऑफ सबमिशन है आपकी अपलाइन, आपका सिस्टम और आपकी कंपनी। कंपनी के सबमिशन में रहें, कंपनी जो बताए जैसे बताए वैसा करें। सिस्टम क्या कहता है कंपनी का, क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे पिच करना है, उनकी क्या खासियतें हैं। कंपनी की ट्रेनिंग्स होती है, हम लोग भी ट्रेनिंग्स करते हैं, उसके सबमिशन में रहना। यानी इस बिजनेस में आने के बाद आपको सबमिशन में रहना सिखाया जाता है कि आपको अपलाइन के सबमिशन में रहना है, सिस्टम के सबमिशन में रहना है, कंपनी के सबमिशन में रहना है। देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो अपने माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ के संरक्षण में रहता है, बड़े भाई बहनों के। तो जब वो संरक्षण में रहता है तो उसको पता होता है कि अगर मैंने कोई छोटी से छोटी गलती भी कर दी तो संभालने वाला मेरा पूरा खानदान पड़ा है। ऐसा ही जब यहां पर आके आप अपने आप को सबमिट कर देंगे तो आपकी अपलाइन, आपका सिस्टम, आपकी कंपनी आपको कितना केयर करेगा, इसका जीता जागता उदाहरण विकास गौतम जी, कभी विकास जी से बात कीजिएगा, विकास जी आपको बताएंगे कंपनी आपको कितना सपोर्ट करती है। थर्ड पावर, हम तीसरी पावर की बात करेंगे जो इस कंपनी में, इस बिजनेस में आने के बाद आपको मिलती है, उसको कहते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आप इसको चाहे तो आप लिख लीजिएगा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। क्या ताकत है, देखिए पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स में तीन पहलू हैं। पहला पहलू है स्पीक व्हाट यू वांट, हम जो चाहते हैं हमको वो बोलना है। मान लीजिए आपका कोई लड़का या लड़की है और वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, हम क्या कहते हैं, तेरे बस की नहीं है, तेरे से हाई स्कूल नहीं हुई, तू इस साल फेल हो जाएगा, तेरे नंबर नहीं आएंगे, तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। अब तो लोगों ने बोलना कम कर दिया, नहीं तो पुराने जमाने में आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 35 साल पहले पता है माँ बाप क्या कहा करते थे, पास हो जा, पढ़ लिख ले, नहीं तो तेरे को उस पंचर वाले की दुकान बैठा दूंगा। मेरी बात से अगर कोई एग्री ना कर रहा हो तो हैंड रेस कर सकता है, मनोज जी आप गलत कह रहे हैं। आज थोड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड आया है लोगों में, लोगों ने थोड़ा पॉजिटिव बोलना शुरू करा है, नहीं तो हमेशा लोग यही बोलते थे। और आज भी कई बार हम बच्चों को बोलते थे तेरे बस की नहीं है, तू नहीं बढ़ पाएगा, तेरे को कुछ ना कुछ काम ही खुलवा के देना पड़ेगा, है ना, तू हमसे रिश्तेदारों से गालियां ही खिलवाएगा, हमारा सर ही नीचा करेगा। अरे क्यों बोलते, उसको बोलो शाबाश बेटा, जो तू कर रहा है बहुत अच्छा है, तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू इससे भी ज्यादा कर सकता है, बस मेरी दो तीन बातें तू मान ले और उसको दो तीन महीने अमल करके देख, देख तू कितना बढ़िया हो जाता है। अब बोलो ना पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स कितनी ताकत है आपके, स्पीक व्हाट यू वांट, जो आप चाहें वही बोलें, अपने बच्चों से, अपनी अपलाइन से, अपनी डाउनलाइन से, वही बोलना है जो आप चाहते हैं, वो नहीं बोलना जो आप नहीं चाहते। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स का पहला पहलू है स्पीक व्हाट यू वांट, वही बोलें जो आप चाहते हैं। सेकंड, दूसरा पहलू है ड्रीम व्हाट यू वांट, सपने वो देखें जो आप चाहते हैं, आप वो सपने ना देखें जो आप नहीं चाहते। अब आप बोलोगे कि वो सपने हम कैसे देखें जो हम चाहते हैं। देखिए जो आप चाहते हैं उसके लिए, देखिए आप इस बिजनेस में आ गए तो यहाँ पर कुछ किताबें हैं, किसी मीटिंग में आपको बताएंगे, कुछ बहुत अच्छी किताबें हैं जिनको रोज एक से दो चैप्टर, एक से दो पन्ने उनके पढ़ने चालू कीजिए, सोते वक्त उस किताब को पढ़ें, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो वर्ड्स चले जाएं और जिसकी वजह से आपको सपने भी वैसे आने लगे। सोने से पहले बोलें अपने आप को कि मैं इस बिजनेस में इस पोजीशन पर पहुंच गया हूं, इस बिजनेस से मुझे इतनी इनकम आ गई है, आने वाले इतने महीने में मैं गाड़ी ले लूंगा, आने वाले इतने महीनों या इतने सालों के बाद मैं अपना मकान लूंगा, व्हाटएवर जो भी आपको चाहिए उसको बोलते बोलते सो जाएं, फिर आप देखिएगा कैसे आपके सपने पूरे होते हैं और कैसे वो चीजें आपके सपने में आने लगती है जो आप चाहते हैं। इस बात को गौर कीजिएगा, दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू है राइट व्हाट यू वांट, वही लिखें जो आप चाहते हैं। अब वही लिखेगा क्या मतलब होता है, पहले मैंने बोला कि जो आप चाहते हैं वो आप बोलें, फिर मैंने बोला कि आप वही सपने देखें जो आप चाहते हैं,
अब मैं कह रहा हूं आप वही लिखें जो आप चाहते हैं, यानी जो आप बोल रहे थे वही आप लिखेंगे, जो आप सपने देख रहे हैं वही आप लिखेंगे, यानी अपने ड्रीम्स को लिखना चालू कीजिए। एक कॉपी ले लीजिए, एक सुंदर सी डायरी ले लीजिए, एक नई कॉपी लीजिए, जैसा आपका मन करे। आपकी पॉकेट 10 रुपए कॉपी अलाउड करती है, 10 रुपए कॉपी ले लीजिए। आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि आप 100 रुपए की डायरी लें, आप 100 रुपए की डायरी लें। आपकी पॉकेट कहती है नहीं, मैं तो अपने ड्रीम्स लिखूंगा, मुझे तो 100 नहीं 300 400 500 1000 रुपए की डायरी चाहिए, वो लीजिए। लिखने के लिए लाल पेन का इस्तेमाल कीजिए। आज आपको एक बात बहुत बड़ी बता रहा हूं, लाल पेन का इस्तेमाल कीजिएगा लिखने में। लाल रंग शुभता का प्रतीक होता है, और लाल रंग से जब आप लिखेंगे अपने सपनों को, अपने कर्मों को, उस पेज पर, एक पेज पर अपने कोई भी 3 4 5 7 10 ड्रीम लिखिए, और आप जब रोज ड्रीम अपने लिखने चालू करेंगे, तीसरे चौथे दिन आपके ड्रीम चेंज हो जाएंगे, उनमें सुधार आएगा, उस सुधरे हुए ड्रीम को लिखेंगे, फिर अगले 10 से 15 20 21 दिन के अंदर फिर ड्रीम के अंदर कुछ सुधार आएगा, फिर उन ड्रीम में से आप कुछ छटनी करेंगे, कुछ जोड़ेंगे, वो ड्रीम लिखेंगे, अगले 3 महीने के अंदर आपके वो सपने आपके सामने आ जाएंगे, 5 सपने सामने आ जाएंगे 5 7 जो आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए मजबूर कर देंगे। तो ये 3 जो पावर है, पावर ऑफ यूनिटी यानी एकता में बहुत ताकत है, पावर ऑफ सबमिशन अगर आप किसी के संरक्षण में हैं तो आप बहुत सिक्योर हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स जो हम बोल रहे हैं उसमें बहुत ताकत है, वही बोले, वही लिखे, वही देखें, वही करें, उन्हीं के सपने लें जो आप चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इनको अपने दिमाग में बिठाइएगा। देखिए मैं क्या बोलता हूँ ये कई बार मुझे भी नहीं पता होता, मगर मुझे इतना पता होता है जो मैं बोल रहा हूँ उसमें आपको गलती नहीं मिलेगी, अगर गलती मिलेगी तो मैं उसके लिए माफी भी मांगूंगा। मेरी कोशिश यही होती है कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मैंने चीजें इस समाज से, इस दुनिया से सीखी है, अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीज, मैं उन सारी पॉजिटिव चीजों को आप तक पहुंचा सकूं और आपके जीवन में एक ड्रामेटिक चेंजेस ला सकूं। देखिए संगीता जी ने अभी, सॉरी हमारी, मेरा नाम अभी दिमाग से निकल गया है, अनीता होस्ट है, अनीता जी, अनीता जी ने एक बात कही और उस बात को कहते कहते अनीता जी के आंखों से आंसू आ गए। अनीता जी ने कहा कि इस बिजनेस में मैं जैसी थी वैसी नहीं हूं, मुझे बड़ी परेशानियां थी, आज परेशानियां नहीं है। परेशानियां हैं, परेशानियां कल भी थी, परेशानियां आज भी हैं, और परेशानियां कल भी आएंगी, क्योंकि ये एक पहलू है, ये जीवन का उतार चढ़ाव है, ये आएगा। मगर क्या होता है, जब हम नेगेटिव होते हैं, गलत एसोसिएशन में होते हैं, नेगेटिव लोगों के एसोसिएशन में होते हैं, तो हमको परेशानियों से लड़ना नहीं आता। मगर जैसे ही हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं, पॉजिटिव एसोसिएशन के अंदर आते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ आते हैं, हमको उसको टैकल करना आ जाता है, उसको हैंडल करना आ जाता है, हमको आ जाता है छोड़ना, यार अगले ने गाली दे दी तो क्या हुआ, छोड़ दे। मेरे नाना जी मेरे को अच्छी तरह थे, मेरे नाना जी को पहले जमाने में ना बड़ी गांवों में लड़ाइयां हुआ करती थी, आपने देखा भी होगा, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती। मेरे नाना जी अपने घर में सबसे बड़े थे और उनके छोटे बहुत सारे भाई थे, तो जब सबकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तो एक मतलब कुनवा बढ़ जाता है, तो अब जब जो बड़ा होता है हमेशा उसको दबना भी पड़ता है, ये भी एक सच है। तो अब वो कई बार गालियां मिलती थी, मेरे नाना जी पता क्या करते थे, कोई गाली देता था ऐसे करके, ऐसे करते थे ऐसे, तो कहते क्या कर रहे हैं, कह रहे भाई ये इधर ये गाली दे रहा है, मैं इसको छुटा के फेंक दूं ना, मेरे क्या चिपट रही है, कोई जवाब नहीं देते थे वो, ऐसे ऐसे करते थे। मतलब जब वो ऐसे करते थे ना, आदमी उसी में नर्वस हो जाता, तो वो गाली देने ही बंद कर देता था। उनका कहना था, देखिए आप एक बात को समझिएगा, एक मिनट लूंगा खाली, मैं यहां से ये रिमोट दे रहा हूं विकास जी को, और विकास जी कह रहे मैं ये नहीं लूंगा, मैं कह नहीं विकास जी ले लो, विकास जी ने नहीं लिया। अब बात समझिएगा, मैंने ये विकास जी को देना चाह रहा था, विकास जी ने हाथ आगे नहीं करा तो ये विकास जी के पास नहीं गया। इट मींस कि मेरी दी हुई गाली किसी के पास नहीं पहुंची, जब तक नहीं पहुंची, जब तक मैंने हाथ, उन्होंने आगे हाथ नहीं करा या उसका रिस्पांस नहीं दिया। इट मींस कि क्या है, कोई भी नेगेटिविटी हमको जब ही घेरेगी, जब हम उसका जवाब देंगे, जब उस पर ज्यादा विचार करेंगे, तो हमको विचार करना है पॉजिटिव चीजों पर, ताकि पॉजिटिविटी आए। यही एसोसिएशन यहाँ पर आके सिखाती है, यहाँ का माहौल यही सिखाता है, जब आप यहाँ पर आएंगे तो चीजें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। डेफिनेटली आपको जो भी इस बिजनेस में लाया है उससे बात कीजिए, उसी अपलाइन से बात कीजिए, ऊपर से ऊपर बात कीजिए, विकास सर से बात करनी है, मुझसे करनी है, डॉक्टर एस कुमार से करनी है, अनीता जी से करनी है, त्रिपाठी जी से करनी है, दीपाली जी से करनी है, जिससे बात करनी है अपलाइन से बोलिए, उससे बात कराए। आपको जिससे अच्छा लगता है उससे मेंटरशिप लें, जिससे अच्छा लगता है बात करें, आपको लगने लगेगा धीरे धीरे कि आप वाकई में यहाँ पर लोग अच्छे हैं, ये लोग सब एक दूसरे की भलाई चाहते हैं। इसका सिस्टम ही ऐसा है, प्लान ही ऐसा है कि मैं करूंगा तो करूंगा ही अपने लिए,
आप करोगे तो करोगे ही अपने लिए, मगर क्या होगा, मेरे करने से मुझे तो पैसा आएगा, मेरे को तो मान सम्मान मिलेगा, मेरे घर में तो खुशी आएंगी, मैं पॉजिटिव तो होऊंगा होऊंगा, साथ साथ ये पॉजिटिविटी मेरी अपलाइन के घर में भी जाएगी, इस पॉजिटिविटी से मेरे डाउनलाइन को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, अपने आप को तैयार रखें 90 दिन रेगुलर इस मीटिंग में आने के लिए, और कभी भी 10-20-50 हथौड़े मार के मत छोड़िए। ताश की गड्डी में, विकास जी, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। और इक्के कितने होते हैं? 4-4। अगर मैं ताश की 52 गड्डियां हाथ में फेंट लूं और मैं आपसे बोलूं विकास, आप बोलो, मैं बोलूं विकास जी इसके अंदर इक्का है, एक पत्ता डालूं, दो पालूं, तीन डालूं, चार डालूं, मैंने 10 डाल दिए, इक्का नहीं आया, तो मैं आपसे बोलूंगा विकास जी इसमें इक्का नहीं है, रहने दो, तो आप क्या बोलोगे? नहीं मनोज जी अभी खोलो, इसमें इक्का है, इक्का है, मैंने 20 पत्ते डाल दिए, इक्का नहीं आया, और आगे चलो। मैं कह रहा हूँ चलो, आपने कहा कि मनोज जी अब रहने दो यार, इसमें इक्का नहीं है, मगर ठीक है चलो एक काम करते हैं और कर लेते हैं। मैंने क्या करा, 52 पत्तों में से 48 पत्ते निकाल दिए और इक्का नहीं आया। अब मैं कहता हूँ विकास जी हम इस खेल को बंद कर देते हैं, अब इसके अंदर कोई इक्का नहीं है, ये झूठ फैलाया जा रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या बोलोगे? सर कहां किस होश में हो, ये चारों पत्ते इक्के के निकाल के दिखा दो। बोलो सर गलत कह रहा हूं, वो चारों पत्ते कौन से निकलने वाले? राइट सर, चारों पत्ते इक्के निकलने वाले हैं, गारंटी, गारंटी है ना। क्या है इट मींस, क्या है कि आप 48 चोट मारने के बाद भी, 50 चोट मारने के बाद भी, पूरी मेहनत करने के बाद भी, साल 6 महीने देने के बाद भी, 3 महीने देने के बाद भी, अगर हमारी टीम नहीं बनी, कोई लोग हमारे साथ नहीं आ पाए, गया कि आपका कुछ नहीं गया, आप कितने पॉजिटिव हुए, और वो इक्के आपकी किस्मत में है, आएंगे जरूर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आने जरूर है, ये गारंटी है मेरी बात की। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप लोगों ने बड़े पैशन से मुझको सुना, तो थैंक यू सो मच विकास सर, थैंक यू।